किसान आंदोलन को 135 दिन के करीब हो चुका है और किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि तीन बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो। लेकिन क्या ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा या फिर इसका कोई परिणाम भी निकलेगा? बहुत सारी बातें हैं। राजनीतिक रूप से भी किसान अब जागरूक होते दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए महापंचायतें भी की जा रही हैं। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। देवेंद्र यादव, देवेंद्र यादव इटावा से किसान नेता हैं, आपका स्वागत है देवेंद्र यादव जी। क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल तो यही कि बड़ा कॉमन सवाल है मेरे ख्याल से ये कि 135 दिन हो गए आप लोग बैठे हुए हैं, कई बॉर्डर कई सीमाओं पर आप लोग बैठे हुए हैं, सरकार तो सुन ही नहीं रहे, बंगाल में है सरकार, और राकेश जी कहते हैं ये कहा है कि भीड़ बढ़ जाएगी जब सरकार वापस आएगी। तो देखिए, सच बात तो ये है कि सरकार की जो कंडीशन है, सरकार नाम के लिए आए हैं लेकिन सरकार के जितने भी आदमी हैं सारे बंगाल में लगे हुए हैं, इसलिए अभी भीड़ की तो ये है कि काम चल रहा है तो काम के टाइम में भीड़ उतनी नहीं हो रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे ही ये अप्रैल ख़त्म होगा आपका और मई शुरू होते ही सरकार भी दिल्ली में आ जाएगी और उसके साथ साथ भीड़ भी बढ़ जाएगी। भीड़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम तो एक आह्वान करेंगे, लोग काम घर घर से एक दो आदमी तो यहाँ हैं ही, लेकिन मतलब आप भी मानते हैं भीड़ कम है? नहीं, बात यह है ना कि हाँ इस टाइम पर भीड़ कम वो चीज़ नहीं है कि जो एकदम हम एक सांस में 1000 आदमी आ जाए, लेकिन यह है कि काम का टाइम चल रहा है तो हम लोग सिस्टम से भीड़ लगाते हैं। ऐसे थोड़ी है कि आँख बंद करके, हम किसान हैं कि बेरोजगार तो है नहीं कि बिल्कुल करके खेत का काम भी करेंगे और आंदोलन को भी देखेंगे। एक आँख हमारी खेत पर रहेगी, दूसरी आँख आंदोलन की तरफ। टिकरी बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं वो भी किसान हैं, सिंघू बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं वो भी किसान हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं वो भी किसान हैं, लेकिन वहाँ तो भीड़ है, वहाँ किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ कम है, आखिर क्यों? जिस क्षेत्र में काम पहले हो जाता है वो आकर के अपने बॉर्डर पे टाइम देता है। अब हमारे यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश में एक तो चुनाव चल रहा है और चुनाव इस टाइम पर है कि अब चुनाव 15 दिन का और रह गया है, तो जितना भी किसान काम किसके बाद बचता है वो किसान जो है चुनाव में है, और चुनाव के बाद जो बचता है वो यहाँ है। तो सच्चाई यह है कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा या भीड़ की कमी नहीं रहेगी किसी भी तरीके से, और आप ये देख रहे हो कि लगता है लोगों के दिमाग में कि भीड़ कम हो, कुछ लोग इस तरीके के हैं कि मतलब जो कभी कभी आते हैं और देखते हैं कि भीड़ कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भीड़ यहाँ कम नहीं है, ना कोई घर से गया है, थोड़ा बहुत काम के लिए तो आदमी जाएगा थोड़ा बहुत। अच्छा, आप जो चुनाव की बात करी, पंचायत चुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप यहाँ भी अपील कर रहे हैं लोगों से, जाके मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना दिया जाए? भाई साहब, पंचायत चुनाव में तो बीजेपी का कोई रोल ही नहीं रहेगा, पंचायत चुनाव जो है देहात में होते हैं और देहात की कंडीशन ये है कि किसान से जुड़ा हुआ प्रत्येक आदमी बीजेपी के समर्थक को तो गांव में घुलने ही नहीं देगा, क्योंकि ये मुद्दा किसान से है। इन्होंने जो किसान से वादे करके कभी आए थे, आज किसान के अपोजिट में सारा काम किया है और उस काम का परिणाम किसान भुगत रहा है कि किसान आज तुम सोच रहे हो, इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कहा था, आज इन्होंने दिल्ली की राजधानी के आसपास हर बॉर्डर पे एक स्मार्ट सिटी बना के तैयार कर दी है। आप देख रहे हो गाजीपुर बॉर्डर की स्मार्ट सिटी है ना, या कहीं भी किसी भी बॉर्डर पे चले जाओ आपको 2000, 3000, 4000 टेंट दिखाई दे जाएंगे, तो ये स्मार्ट सिटी मॉडल। लेकिन एक बात बताइए, आप काफ़ी जागरूक लगते हैं, किसान हैं लेकिन जागरूक लगते हैं आप, मुद्दा तो है ही नहीं किसान, बीजेपी जहाँ भी जा रही चुनाव प्रचार में तो ये तो मुद्दा ही नहीं होता है, किसान कोई मुद्दा नहीं, कृषि कोई मुद्दा नहीं, रोजगार कोई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं, अर्थव्यवस्था कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा सिर्फ एक है जिसके बारे में आपको भी पता है, आखिर क्यों? अच्छा, बात सच बात ये है कि जो मतलब गलती किसानों ने की है, मुद्दा तो इनका एक ही है कि किसी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को जो है ध्वस्त कर दिया जाए, और सच्चाई भी है अर्थशास्त्र के अनुसार कि जिस देश की कि अगर किसी देश पर लंबे समय तक राज करना है तो उस देश की अर्थव्यवस्था को भ्रष्ट कर दो, आपकी हमें आपको परमानेंट गुलाम बनाना है, ये लोगों की नीति रीति इस तरीके से आई है कि आपने समझा पर... नहीं, आपने समझा नहीं, मैंने तो पहले ही कहा जो आप कहना चाह रहे हैं ये तो मेरे सवाल ही में था कि ये सब तो मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा तो हिंदू मुसलमान है और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो अब इनका मुद्दा वो चलने वाला नहीं है, हिंदू भी जान गया है मुसलमान भी जान गया है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस मतलब कानून को, किसान बिल को ला करके हिंदू और मुसलमान को एक ही जगह खड़ा कर दिया है। आज आप बॉर्डर पर देख रहे होंगे ना, तो यहाँ कोई हिंदू है ना मुसलमान है ना जाट है ना सिख है ना ईसाई है ना कोई क्षेत्रवाद है ना धर्मवाद है, सब कुछ मिला करके एक ही चीज़ आ रही है आपके सामने कि आज जो भी है वो किसान है, और किसान बिल की कंडीशन में वो अपनी जब तक कानून ये वापस नहीं लेते तो तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे, और कानून की स्थिति ये आ जाएगी कि अभी ये बंगाल का चुनाव होने के बाद 2022 का चुनाव आपका आ रहा है यूपी में, 80 लोकसभा सीटें हैं और यूपी से जैसे ही
ये अगले चुनाव में हार जाएंगे, ये खुद ही खुद अपने आप 2022 में तो विधानसभा चुनाव होंगे ना, आप लोकसभा का जिक्र कर रहे हैं। यूपी में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा ये यूपी में 2022 में हारेंगे और वहीं से दिल्ली की राजनीति तय होती है। आप अभी तक भी देख रहे हैं कि दिल्ली की गद्दी जो है यूपी से हर बार निकलती है, चाहे मोदी जी गुजरात से आकर के यूपी में लड़े हों। यूपी ने इतने प्रधानमंत्री दिए हैं देश को, इतने किसी स्टेट ने नहीं दिए, तो इसलिए देश की राजनीति जो है उत्तर प्रदेश तय करता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति आज के टाइम पर गाजीपुर बॉर्डर तय कर रहा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक दिन इनके सामने ऐसा आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में घुटने टेक जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप जब गांव में जाते होंगे, आप किसान नेता भी हैं जहाँ तक मुझे पता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा, मतलब नहीं, थोड़ा थोड़ा, पूरा पूरा हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, थोड़ा थोड़ा होने में कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसान नेता नहीं है, लेकिन किसानों के कार्यकर्ता है। अच्छा, चलिए ठीक है, किसानों के कार्यकर्ता है। आप जब गांव में जाते होंगे, लोगों के बीच में जाते होंगे, लोगों को ये पता है कि स्मार्ट सिटी भी बनना था, लोगों को ये पता है कि अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन चलनी थी, क्या लोगों को ये पता है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली थी, ये सब पता है लोगों को? नहीं पता है तो आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ, जाकर समझा रहे हैं लोगों को, बात कर रहे हैं? ये चीज़ हम जा कर के लोगों को खूब बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, एक एक मुद्दा पूछते हैं कि ऐसा तुम बताओ कि अपने दिमाग से कि इन्होंने गेहूँ का दाम बढ़ाया था, बोला था, आज कंडीशन क्या है कि गेहूँ के MSP गेहूँ पे बिक रहा है। इनका सीधा फंडा है कि कोई भी MSP अगर है भी तो 4 महीने लेट कर दो, कभी बोरा कम कर दो, कभी कुछ कम कर दो, ताकि किसान भटक जाए। किसान की कंडीशन ये है कि वो अपनी मानसिकता को इस तरीके से डाइवर्ट कर देते हैं कि बता नहीं सकते। हम लोग किसानों को जा रहे हैं, बता रहे हैं तुम्हें डीजल क्या भाव मिलता था, पहले डीजल क्या भाव था, डीजल 1981 में 3 रुपये लीटर था और गेहूँ 1.5 रुपये लीटर था। कहने का मतलब है कि 1 क्विंटल वो क्या नाम डीजल के लिए 2 क्विंटल गेहूँ बेचना पड़ता था। 1999 में डीजल 9 रुपये था, गेहूँ 500 रुपये था, तब भी 1 क्विंटल डीजल के लिए 2 क्विंटल गेहूँ बेचना पड़ता था। आज कंडीशन आप देखो, गेहूँ 15-16-14 रुपये किलो है और डीजल आप 100 रुपये के है। कहने का मतलब है कि 1 क्विंटल डीजल के लिए हमें 6 क्विंटल गेहूँ बेचना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों पर चर्चा होती है, महंगाई पर चर्चा होती है? अरे, हम जिस जगह पर जाते हैं, हम जब भी जाते हैं गाँव में, चूँकि हमारा गाँव मतलब इटावा में जरूर पड़ता है, लेकिन सच्चाई है कि हम तो बहुत जो चंबल की घाटी है उस क्षेत्र में भी जाते हैं, उन सब किसानों को जहां पर सरकार नहीं पहुंचती है उन जगह पर हम जाते हैं और वहां भी किसानों से चौपाल लगा करके ये बात करते हैं और एक एक मुद्दे पर समझाते हैं कि आप किसी भी रिकॉर्ड को ले लो, देश की इकोनॉमी को ले लो, देश की GDP को ले लो, देश में GDP जितनी आज तक कभी नहीं, देश जिस दिन से आज़ाद हुआ कभी आपने माइनस में GDP देखी? पिछली सरकार में मनमोहन सिंह के टाइम पे GDP 9-10-11-12% तक हो जाती थी, 8-9% तो आम रहती थी। आज कंडीशन यह है कि देश की GDP माइनस में जा रही है। शिक्षा पे इन्होंने कुठारा बाहत कर दिया है, स्कूल बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त है, गांव के लोग देख रहे हैं, बच्चे दे जाकर कहीं देखिए। बिल्कुल आखिरी सवाल है मेरा, ये तो आप कह रहे हैं जो आप जानते हैं, मेरा बार बार यही सवाल था और इसलिए ये सवाल है कि जो लोग वोट देते हैं या जो लोग नारे लगाते हैं या जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे चिल्लाते हैं, उन तक ये खबर जाती है, पहुंचती है, वो समझते हैं? असल मेरा सवाल तो ये था ना। आप वही चीज़ हम कह रहे हैं कि जहां बिल्कुल शिक्षा का अभाव था, जहां पर शिक्षा का अभाव था, जहां आप उम्मीद कर रहे हो या यहां राजधानी में बैठ के लोग ये पहुंच रहे हैं कि यहाँ की आवाज़ गाँव में नहीं जा रही। सच्चाई ये है कि मैं उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं यहाँ पर आंदोलन करने के बाद 2 दिन जाता हूँ, जितनी भी कंडीशन हम यहाँ बोल रहे हैं तो सच्चाई ये है कि हमारा सेंटर यूपी इस शब्द को सुन रहा है। कहने का मतलब है लखनऊ से लेकर के अलीगढ़ तक के बीच की बेल्ट जो है ये मेरे एक एक शब्द को सुन रही है कि देवेंद्र बाबू वहाँ पर क्या बोल रहे हैं और किस लिए टिके हैं, और उसके बाद में वहाँ की जन मूलभूत समस्याओं से हम भली बात अवगत है। ऐसा नहीं है कि गाँव में चौपाल लगा के लोग कहते हैं बैठक बैठती है। अच्छा, ये बताइए, आप आशान्वित हैं सरकार सुन लेगी, आपकी मांग को मान लेगी? ये बात हमें इतना पता है कि सरकार बात अगर पहले तो मानेगी, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो हम इस सरकार को मना देंगे और अपनी बात जो है किसान जन जन तक पहुंचा देंगे। और आने वाले समय में, अब तो सरकार के अंतिम दिन आ गए, सरकार के अंतिम दिन आ गए, कहने का मतलब है बंगाल में के चुनाव आपके सामने, यूपी का चुनाव शुरू हो गया, प्रधानी के बाद BDC बनेगा, जिला ब्लॉक प्रमुख बनेगा, उसके बाद जिला अध्यक्ष, उसके बाद में विधानसभा का चुनाव आ गया, और जब विधानसभा में ये नहीं रहेंगे तो आपको गारंटी से कहते हैं लोग तक आपको इंतजार करना। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ साफ कहना है कि जब तक
ये चुनाव नहीं आते हैं, हम यहाँ डटे रहेंगे और चुनाव के माध्यम से हम अपनी बात मनवा लेंगे, यानी कि हम ये एक्सेप्ट करवा लेंगे जब हम सरकार बदलेंगे कि हमारी मांग जायज़ थी। कैमरा मैन मनीष के साथ मैं फैजान फैजी, गाजीपुर बॉर्डर।